वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है यहाँ फ्रेशर पार्टी है मेरे कॉलेज में, बस वहीं जा रही हूँ। अभी मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हूँ जो कि मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है, आपको पता है, के घर आई हूँ। तो अब यहाँ से होके तैयार हम जाएंगे पार्टी में। पार्टी जो स्टार्ट हो गई, हम थोड़ा सा लेट हो गए क्योंकि हमें थोड़ा लेट जाना ही पसंद है, तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं स्कूटी पे। बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है आज। वैसे मौसम यहाँ ठीक है इसलिए थोड़ा उतना अजीब भी नहीं लग रहा है धूप में निकलने में। बस हम पहुंचने वाले हैं 2 मिनट के बाद कॉलेज। कॉलेज में पहुंच गए, अब हमने जाना है अंदर। इनको चलते हैं अंदर। Are you guys ready for your question answer session? Now I give the mic from serial number 1. You will pass on the mic after each everybody's turn. You will give your answers, then you will go back to your seats. Okay? So you will be the first one to ask the question. Okay? आपका जो है किस चीज में इंटरेस्ट है? बैठी जरा, किस चीज में इंटरेस्ट है आपका? स्टडी में है ना, तो उसमें स्टडी में कोई सब्जेक्ट होगा? हिस्ट्री में है, तो मैं मंदिर से आप संस्कृति के बारे में जानते हैं? संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, ये तीनों में फर्क क्या है? संस्कृति, सभ्यता एंड संस्कार। संस्कार हमारे घर से हमें मिल रही है, संस्कृति जो है वो सभ्यता जो है वो हमारा। और संस्कार क्या होते हैं? जो हमने घर से, समाज से,
अपने गुरुजनों से जो हम सीखते उसे संस्कार करते हैं और सभ्यता अपने नाम तो बता दीजिए बेटा, कम से कम पहली बार आपको देख रही है। हेलो, योर नेम पूनम अनहस। ओके पूनम, डिस्क्राइब योर सेल्फ इन वन वर्ड्स। वन वर्ड्स, यस। नाम्स मीन रोशनी, आई थिंक चंद। सो बेसिकली यू आर फ्रॉम जम्मू, सो टेल मी व्हाट द बेस्ट थिंग यू लाइक अबाउट जम्मू, व्हाट वी डू इन यू बेस्ट थिंग अबाउट जम्मू, मीन सब्जेक्ट क्या चीज है। संस्कृति क्या है? पूछा डुग्गर संस्कृति क्या है, उसका जवाब दो। नहीं नहीं, ना बीच में कट भी तो करना है, बंद कर देते हैं। एक बोल दिया ना वो खंडे डोगरे, सगुन का अर्थ क्या है? सगुन का अर्थ बताओ। आप क्या हो? सर मैं सर फैमिली के लिए जो वो लड़की जो आगे से जल्दी जवाब दे देती है, और फ्रेंड्स के लिए वो लड़की जो बहुत एडजस्टेबल है, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, और अपने आप को मैं मानती हूँ कि मे भी मेरे आगे से कोई शुभ काम होता हूँ बस। थैंक यू सर। My name is Rita Soni. I hail from Akhnoor. Basically, I'm Punjabi and from Amritsar. Actually, I'm born and raised. I have done M.Com honor from Gunadi University, Amritsar. My aim of life to become an eminent teacher. Thank you. तो बोलो वहाँ जहाँ बिल्कुल technology नहीं है आज technology के ज़माने में, वहाँ आप teaching कैसे करोगे, कैसे effective teaching करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर बिकम अ गुड टीचर यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट, कोऑपरेटिव, एडजस्टेबल, अडेप्टेबल, यू नो हाउ टू एडजस्ट विद द एनवायरमेंट यूजिंग दैट देयर इज नॉट एनी टेक्नोलॉजी। ओके, इट इज नॉट डिफिकल्ट टू टीच विदाउट टेक्नोलॉजी इफ यू हैव नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट। आई थिंक you can use chart, you can use different diagrams you can make from yourself, you can use board and you can do the group teaching. I think it is very important for the students group teaching, because
students learn more easily in the groups rather than individually. Any other question you want to ask regarding education? Okay, thank you. Good afternoon, everyone. Myself, Manika. I have done Master's in Environmental Sciences from Jammu and Kashmir. What is the best or worst thing of, as being a teacher? छोटे बच्चों को हैंडल करना, उसको स्टार्टिंग से जो बिल्कुल किंडर के बच्चे होते हैं प्राइमरी के, उनको कैसे सिखाना, मैनेज करना, उनको कुछ भी नहीं आता, उनको टिफिन घुमाना, सब कुछ टीचिंग तो अपने मन से करना, पर आपका जो जो भी आपका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं मिलना, ये आपको एडजस्टमेंट करना है, ठीक है? टीच करो, पढ़ लो, स्किल डेवलप कर लो, उसके बाद आपको कुछ भी मिलने वाला, वो वर्स्ट थी, ठीक है? ठीक है नहीं? थैंक यू। सर मेरा नाम कविता है, मैं डोडा भलेसा की रहने वाली हूँ और मैंने एमए उर्दू से किया हुआ है। सुनो, हाउ विल यू इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन? आई जस्ट वांट टू गेट सजेशंस फ्रॉम यू बिकॉज एज यू ऑल नो, एज वी आर ऑब्जर्विंग द फंक्शन, हाउ यू पीपल इन्फ्लुएंस अदर स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन अ फंक्शन? आई जस्ट वांट टू गेट सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। जैसे मतलब वो स्टूडेंट्स होते हैं तो हमें एक फंक्शन लगा के मतलब मोटिवेशन मिलती है, अगर हमें अलहदा स्टेप स्टडी के बारे में कुछ करने का तो अलहदा ही बन जाएगी, अगर एक फंक्शन एक यात्रा करने की पढ़ाई की कुछ करें तो मोटिवेट हो जाएगी कि नहीं हम भी कुछ है और वो आगे कुछ करने का हौसला रख सकते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी था, वन ऑफ शेयर था, कोई 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 जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने। Myself उषा भारती, I have BSc from class 2। बच्चे इफ यू वर मेड ए प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे, वन अकॉर्डिंग टू योर ओन व्यूज, इफ यू वर प्राइम मिनिस्टर फॉर वन डे व्हाट वुड यू बी डू? सबसे पहले तो नौकरियां सैलरी बढ़नी चाहिए, टीचर्स की निकली नहीं है जॉब, मेरा नाम अनन्या शर्मा है, मैंने बीएससी किया फिर एमए सोशल। व्हाट्स योर एम इन लाइफ? व्हाट इज योर एम इन लाइफ? माय एम इन लाइफ, माय एम इन लाइफ इज मैं इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं जहां पे मैं किसी से डिपेंडेंट नहीं रहूं, खुद से डिपेंडेंट सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊं, ये मेरा एम है। सो यू वांट टू बिकम इंडिपेंडेंट? यस आई वांट टू बिकम। एंड व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ एन आइडियल टीचर?
आइडियल टीचर की बात सर, सबसे पहले जो आइडियल टीचर होता है ना वो बच्चों में कभी डिफरेंस नहीं करता है कि ये कम पढ़ा है या ये कम जो जो बच्चे होते हैं ना उनमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है। कुछ जो होते हैं वो एकदम से समझ आते हैं जो हमने इंग्लिश में बोला वो समझ आए, कुछ होते हैं जिनको हम हिंदी में बताएंगे तब वो समझेंगे, और कुछ होते हैं जिनको इंग्लिश हिंदी दोनों को थोड़ा कम समझ आएगा, जब हम अपनी लैंग्वेज में बताएंगे तो वो जल्दी समझ आते हैं। तो मेरे ख्याल से जो टीचर होता है बच्चों को जब तक खुद सेटिस्फाई नहीं होना कि ये बच्चा इसको समझ आ गया तब तक उसको पढ़ाना चाहिए। What are the qualities of a good human being? पहले भी एम्पैथी होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए सबके लिए, और उनको सबको साथ लेकर चलने के उनके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए। इंसान को अगर आप अच्छे इंसान तभी बनते हो जब आप सबके बारे में सोचते हो, अगर आप सेल्फिश होते हो आप अच्छे इंसान नहीं बन सकते। Hello everyone, my name is Diksha and I have done my master's in English from Guru Nanak Dev University, Amritsar. क्योंकि इंग्लिश जो है वो ऐसी भाषा है जो हर जगह फैली हुई है, मतलब अगर हमने केरला में जाने बात कर ली है तो हमें वहाँ की कन्नड़ नहीं आएगी, मलयालम नहीं आएगी, तो वहाँ पर इंग्लिश ऐसा मीडियम है जिससे हम बात कर सकते हैं। हमने फ्रांस में जाना है तो हमें वहाँ पर फ्रेंच नहीं आएगी, बट इंग्लिश ऐसी है जो हम वहाँ पर जाके उससे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हर जगह वो कर दिया, तो इसीलिए इंग्लिश जो है वो बढ़नी चाहिए। फ्यूचर जनरेशन को कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? एक्चुअली वो इन्फ्लुएंस हो ही रही है थ्रू सोशल मीडिया, हर जगह मतलब स्टार्टिंग से इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, स्टार्टिंग से ABC स्टार्ट से इंग्लिश जो है वो क्लासेस में बोली जानी चाहिए, और घर पे भी मतलब जैसे हम TV वगैरह में देखते हैं इंग्लिश सब टाइटल्स होते हैं मतलब, और बस ऐसे जाते हैं। ऐसा मतलब क्या चाहोगे आपका बच्चा जो आपके रीजनल लैंग्वेज है वो यूज करे या इंग्लिश यूज करे? दोनों, लेकिन सबसे पहले रीजनल उसको। थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज सोनिया मिहास, आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी। First of all, tell me, you choose B.Ed. Whether you choose it by chance or by your choice? By choice. Okay. What do you think, you observe differences after joining this B.Ed? Because you have a lot of time here. Even you have done your D.E.P. also. So what are the differences that came in your life after joining that B.Ed course? अभी तक कुछ भी नहीं देखा सर, अभी एक डेढ़ महीना है, जैसे हम बाइक स्कूल गए थे, हम आज तक तो कभी ऐसी हुआ नहीं हमारे साथ कि हम विजिट करें, स्पेशली हम विजिट करें, तो वो है कि विजिट्स हमने इस कॉलेज में थ्रू हमने किए हैं, ब्लाइंड स्कूल में की थी, वहाँ हमने देखा कि जो ब्लाइंड बच्चे हैं वो कैसे मतलब अपनी पढ़ाई करते हैं, कैसे सारी चीजें जो है प्रॉपरली समझते हैं, कैसे वहाँ पे हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे, ज्यादा बड़े तो नहीं थे, 8th 9th 10th थे, तो वो कैसे उन्होंने वहाँ तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे कि उन्होंने हमें बताया कि इसको कैसे कैसे यूज करना है, कैसे कैसे हम ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट थे उनके लिखने के या जो भी थे कि हम उसको कैसे वो करते हैं, सारा उन्होंने हमें डिटेल में समझाया। वो एक 10th क्लास की लिटरेचर है जिस
उसने हमें सारा डिटेल में बताया कि हम ऐसे ऐसे करते हैं, हमारे टीचर्स हमें बताते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं, इसको हम ऐसे ही यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं। तो उसने हमें सब कुछ बताया और भी हमने विजिट की जो आंगनवाड़ी में की, वहां जाकर देखा हमने की आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनको कैसे पढ़ाया जाता है, और जो नर्सरी स्कूल में हम गए वो सब तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट लेवल में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, वो सब हमने नोटिस किया और ऑब्जर्व किया। साइकोलॉजी, हम साइकोलॉजी में हमें ये सीखा जाता है कि डिफरेंट जो लेवल के बच्चे होते हैं उनको हमें कैसे डील करना है। फर्स्टली तो हमें उसकी सबसे पहले तो हमें उसकी जो ऑब्जर्व करना है कि उसकी जो हरकतें हैं वो क्या है, और जैसे कि वो शरारती बच्चा है मतलब बाकी क्लास को भी वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो हमें उसको सेपरेटली भी थोड़ा टाइम देना पड़ेगा कि उसको कैसे हम क्लास में सबके साथ जो है वो मिक्सअप करने के लिए। हमें उसको सबसे पहले तो हमें उसके बिहेवियर के साथ डील करना पड़ेगा कि वो कैसे हम उसको बाकी बच्चों के साथ मिक्सअप करें। हमें जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजी में हमारी जो काउंसलिंग जो डिफरेंट लेवल के बच्चे होते हैं उनमें काउंसलिंग के थ्रू जो है वो डील करते हैं, उनकी सारी जो मतलब हिस्ट्री होती है उनकी या जो भी है वो सारा उसको एंगेज कर देंगे। बस अच्छा आप छोड़िए, आप यहाँ पर जो हमारा जो है गाइड में गए, आपने वहां पर क्या ऑब्जेक्ट किया, क्या आपने वहां पर ऑब्जेक्ट किया और क्या क्या आपको अनुभव हुआ, क्या आपके इससे पहले जब बीएड में है बीएड में जब नहीं आए थे आपको पता था कि ये डाइट जो है एजुकेशन का ही पार्ट है, क्या जानकारी थी? नहीं जानकारी थी। तो आपने वहां क्या ऑब्जेक्ट किया? हाँ तो सेवन वीक्स क्या है, क्या उनका जो है ना अरे वर्क क्या है? Like cooperation to the surrounding.
Good afternoon. I am Vasna Mahas. I am from Lesa, Doda. I done my PhD in political science from Jammu University. You are from Bhadrama. Doda. You know the steps of good dancing, which is your traditional dance. Okay, ma'am will perform with you. Pooja ma'am, please accompany her. Thank you.
Thank you.
अभी मैंने जो है ये पूरी ली है, राजमा की दाल एंड रायता, दूसरा क्या ले चने लिए, अभी हम ये खाएंगे। Yeah.
मजा आया? और आपको? बहुत सही गया भाई, आप सबको कैसे मजा आया? बाकियों को बहुत अच्छा अच्छा लगा। थोड़ा सा मैंने मिस कर लिया, कोई ना मुझे कोई वीडियो भेज देना। हाँ मिस हो गया ना थोड़ा सा। बाय बाय बाय। गाइस फाइनली जो है आज की पार्टी खत्म हो गई, अब करते हैं रेस्ट। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।